हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज सृष्टि और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अभी आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी फैमिली को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सभी की दिवाली बहुत ही अच्छी गई हो। आपको टाइटल से ऑलरेडी पता चल गया है कि आज का जो हमारा व्लॉग है ये दिवाली व्लॉग है। ये दिवाली मेरी इस घर में आखिरी दिवाली है, तो मैं चाहती थी कि ये दिवाली का जो व्लॉग है ये मैं आपसे ज्यादा अपने लिए बनाया है मैंने इसको, तो मैं इसमें आपको थोड़ी कम दिखूंगी क्योंकि मैं खुद ही हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं फ्यूचर में जाके इसको रिविजिट कर पाऊं, ये सारी मेमोरीज वापस से रिलिव कर पाऊं। ये व्लॉग मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है एंड आई होप आप सबके लिए भी उतना ही स्पेशल हो। सो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी का धनतेरस बहुत ही अच्छा गया हो। हम सुबह सुबह पहुंच गए थे जलाराम क्योंकि हमें मिठाइयाँ लेनी थी और जितना लेट करते वहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो यहाँ से पापा ने बहुत सारी मिठाइयाँ ली और मिठाई लेने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से हमारे ज्वेलर्स के यहाँ। ये जो ज्वेलर्स अंकल हैं ये इनके पास मैं लिटरली बताऊँ मैं बचपन से जा रही हूँ। पहले मेरी नानी जाया करती थी, उसके बाद मेरी मम्मी जाती है और मम्मी के बाद अब हम लोग भी यहीं जा। यहाँ से हम लोग ने एक सिल्वर कॉइन लिया है। घर आके घर में बहुत सारा काम किया और शाम में मैं निकल गई पूजा का सामान लेने के लिए और थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान लेने के लिए। यहाँ पे मैं मार्केट आई हुई हूँ, यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। मार्केट में हनुमान जी का बहुत प्यारा मंदिर है तो हमने वहाँ जाके दर्शन भी किए, आप भी कर लीजिए। इसके बाद मैंने घर में जाके करी पूजा, वो पूजा बहुत छोटी सी की थी हमने तो इसलिए मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट डे पे। गुड मॉर्निंग, हम आए हुए हैं सुमित बाजार क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और आप देख सकते हैं ये सारा सामान मैं अकेले लेके जा रही हूँ घर। कैसे ले जाऊंगी आपको दिख ही रहा है। हाय गाइस, आज है छोटी दिवाली, मेरे साइड से आप सभी को हैप्पी छोटी दिवाली। आज मेरी बहन घर आ रही है, वैसे हर साल इस टाइम पे मैं घर आ रही होती हूँ हैदराबाद से, बट इस साल थोड़ा उल्टा हो गया है। हर साल मैं उनको एक बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा के रखती हूँ कि ये सारी सब्जी घर में होनी चाहिए, ये चीजें बना के रखना क्योंकि मुझे बहुत क्रेविंग होती है घर के खाने की। और इस साल मेरी बहन सेम चीज़ कर रही है, उसने मुझे एक बहुत लंबी लिस्ट पकड़ा के रखी है कि ये सारी सब्जियां घर में लेके आना, मैं जितने दिन घर में हूँ मैं ये सारी सब्जियां बना बना के खाने वाली हूँ। उसके साथ साथ उसने लिस्ट ये भी चीज़ों की बनाई है कि कौन कौन सी चीज़ें बनी होनी चाहिए, जिस दिन मैं आऊँ मुझे क्या क्या खाना है। तो आज उसको खानी है कढ़ी, और कढ़ी मेरी और मेरी बहन दोनों की बहुत फेवरेट है और घर की बनी हुई कढ़ी तो और ज़्यादा हम लोग बहुत क्रेव करते हैं घर का खाना जब भी हम लोग बाहर से आते हैं। तो अभी बिना लेट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, आज कढ़ी बनानी है उसके लिए। मम्मी बैठी हुई है सामने और वो तब से मेरा वेट कर रही है कि मैं कब स्टार्ट करूंगी कढ़ी बनाना क्योंकि थोड़ी देर में वो आ जाएगी। किसकी आरती? क्यों मैं इतने बार आई, मेरी तो कभी आरती नहीं उतारे। सो गाइस, पापा निकल गए हैं अपनी प्यारी सी बेटी को रिसीव करने के लिए, उसकी बस पहुंचने वाली है और हमें काम देके गए हैं कि हमें करनी है हम उनकी प्यारी सी बेटी के लिए एक आरती की थाली रेडी। मैं 5 साल से घर आ रही हूँ गाइस, मेरे लिए कभी किसी ने कोई आरती वारती की थाली रेडी नहीं करी है। मुझे आज समझ में आ रहा है कि जो लोग बोलते हैं ना कि सब बच्चे बराबर होते हैं, कोई फेवरेट बच्चा नहीं होता है, झूठ बोलते हैं गाइस, लिटरली झूठ बोलते हैं गाइस। सबके फेवरेट बच्चे होते हैं और अगर आपके घर वाले आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, आप कोई फेवरेट बच्चा नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि आप वो फेवरेट बच्चे नहीं हैं। आप समझ लीजिए गाइस, यही होता है, यही है इस दुनिया की रीत। और अभी मेरी मम्मी मुझे घूर रही है कि मेरा बहुत सारा काम बाकी है और मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रही हूँ और उनको लग रहा है कि जितने जल्दी मेरा काम निपट जाए उतना अच्छा है क्योंकि कल दिवाली है और अभी हमारी बहन भी आने वाली है। तो ये सारी बकवास बाद में करेंगे और अभी हम चलते हैं जल्दी से पूजा की थाली रेडी करने के लिए वरना पापा हो जाएंगे गुस्सा। तो जल्दी से चलिए, लेकिन एक चीज़ बता दे रही हूँ गाइस, मैंने अपनी बहन के लिए भी पूरी तैयारी करके रखी है, इतना सारा काम रेडी करके रखा है उसके लिए कि ये सारा काम तो इसी से करवाऊँगी, अकेले तो नहीं करने वाली हूँ मैं। सो गाइस चलिए वेट करते हैं हमारी बहन का, जल्दी से आएगी, उसकी आरती आरती उतारेंगे मेरे घर वाले, उसको बहुत प्यार से वेलकम करेंगे और उसके बाद फिर मैं उससे बहुत सारा काम करवाऊंगी। सो लेट्स गेट रेडी गाइस। हाय
जल्दी आ मेरे ये ऐसा क्या होता है जब मैं पूरा घर घूम लिया उसके बाद अब खाना भी खिला दो यार क्या खाएगी आंटी क्या खाएगी क्या बनाई है मैं तेरे लिए भाटे की सब्जी बनाई हूँ नहीं तो कड़ी बनाई है पापा बोल दिए तो पापा मेरे को रास्ते में बोले कि बेटा तेरे को कुछ खाना है कि तेरी बहन कड़ी बनाई है कुछ खाना है तो खा ले बाहर ऐसे बोले आप अब क्या चेक कर रहे हो क्या लगी आपके लिए वो जूता आपका वो ही अरे उसको दे दे प्यारी बेटी को और मैं तू माँ दुष्ट बेटी हाय राम मम्मी देख रहे मेरे को दुष्ट बोल रहे हैं 10 seconds later इसमें क्या रखा है मुझे क्या पता तू रखी है तू कहाँ रखी किसमें रखी तू जानेगी इसमें देख ली थी पलंग के अंदर हाँ मेरे को तो नहीं दिखे थे मेरे को तो सिर्फ गद्दे ही गद्दे दिखे हाँ। अगर आप सोच रहे हैं कि हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग लाइट्स ढूंढ रहे हैं जो मेरी बहन ने लास्ट ईयर रखी थी वो हम लोग को किसी को नहीं मिली तो एट लास्ट वो आके ही हम लोग को बताइए कि कहाँ रखी हुई ये लाइट्स तो गाइज हर साल जब भी मैं घर आती हूँ मैं अपने घर वालों के लिए हमेशा दिवाली की शॉपिंग करके लाती हूँ उनके लिए कुछ ना कुछ कपड़े या अलग अलग चीज़ें लेके आती हूँ दिवाली के सो इस बार मेरी बहन घर आई है तो वो कुछ सामान लेके आई है और मेरे घर वालों को सबको उनके दिवाली गिफ्ट्स दे रही है बट उसको नहीं पता है कि सिंस मैं यहीं पे हूँ मैंने दिवाली की शॉपिंग यहीं से की है मम्मी पापा के लिए कपड़े लिए हैं उसके लिए भी कुछ लिया है बट उसको पता नहीं है तो चलिए जल्दी से जाके उसको देते हैं उसका गिफ्ट दिवाली गिफ्ट और देखते हैं उसको कैसा लगा हैप्पी दिवाली ओह माय गॉड सो हैवी मैं पूछ रही थी तेरे को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है सो गाइस एक छोटी सी बैक स्टोरी आगे बढ़ने से पहले कि अभी हम लोग कर रहे थे लाइटिंग और लाइटिंग करते करते मेरी बहन ने पता नहीं अपना फोन कहाँ रख दिया हम लोग ऑलमोस्ट आधे घंटे से ज्यादा हो गया कि उसका फोन ही ढूंढ रहे हैं पापा मैं मम्मी मेरी बहन सब लगे हुए हैं लेकिन उसका फोन मिल ही नहीं रहा था एट लास्ट जाके मिला है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि कहाँ रखा था वो फोन आई एम नॉट श्योर कि अगर उसने निकाल लिया हो तो बट मैंने उसको बोला था कि बिल्कुल मत हिलाना मुझे दिखाना है सबको मुझे रिकॉर्ड करना है ये चीज सो चलिए देखते हैं कहाँ है बहन फोन ये तो निकाल ली फोन कहाँ था फोन गमले में कहाँ गमले में बता जरा बता ना कहाँ है कहाँ है ये जो गमला लटका हुआ है यहाँ पे मेरी बहन अपना फोन रख के भूल गई थी तो ये उसका फोन यहाँ रखा हुआ था ब्लूटूथ में कनेक्टेड था तो आवाज भी नहीं आ रही थी हम लोग को और मेरे पापा को अभी पूरे घर में लाइट्स लग चुकी है लेकिन उनको अभी भी लाइट्स कम लग रही है कहाँ लगाना है पापा लाइट्स हाँ तो सीढ़ी से ऊपर नीचे कैसे करोगे दियों के कुछ एस्थेटिक से शॉट्स लेने के बाद अब हम दिए लगा रहे हैं हमारे घर में बाहर और इसके बाद हम जाएंगे हमारे दिवाली की फाइनल टचेस करने के लिए जी हाँ हमारे घर में हमेशा ये चीज़ होती है कि जो हम नए सोफे कवर्स या पर्दे लाए हैं वो हम बहुत दिन पहले नहीं लगाते हम लोग एक रात पहले लगाते हैं क्योंकि मेरी मम्मी को अभी भी लगता है कि हम दोनों बच्चे हैं और हम दोनों मिलके ये पर्दे या सोफ़ा कवर्स गंदे कर देंगे तो इसलिए दिवाली के एक रात पहले ये सारा काम हम लोग कर रहे होते हैं तो अभी खाना वाना हो गया है मम्मी लोग चले गए हैं सोने मैं और मेरी बहन ये सारा काम निपटाएंगे और उसके बाद जाएंगे सोने के लिए तो चलिए साथ में घर को करते हैं दिवाली रेडी
हाय गाइस, अभी हम नहाए नहीं है गाइस, नहाने के बाद देखिएगा। गाइज आज है दिवाली और हम लोग सुबह सुबह निकले हैं मेरी बहन के लिए, जो मैंने ड्रेस ली थी उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि उसको साइजिंग में थोड़ा इशू आ गया था। यहाँ से हमने ड्रेस चेंज कर ली है और इसके बाद अब हम निकल रहे हैं हमारे दिवाली की पूजा के लिए, जो सामग्री लेनी थी उसके लिए मार्केट जाना है, तो हम मार्केट आए हुए हैं। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर में डेकोरेशन का जो सामान लाई हूँ वो तो रखूँ ही रखूँ, साथ में यहाँ से भी कुछ ना कुछ लेके चली जाऊँ, बट मेरी मम्मी मुझे मारेगी तो नहीं लेंगे। घर आके हमने सारा सामान अच्छे से जमा के रख दिया है, पूजा की पूरी तैयारी करके रख ली है और इसके बाद यहाँ पे लाइट्स भी लगा दिए हैं भगवान के पास। एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया का मैच दिवाली के दिन होता है तो क्या होता है। मम्मी टीवी बंद कर दूं? हाँ ठीक है, हम ही लोग ले आएंगे, छोड़ो। सो गाइज ऐसा होता है कि अगर दिवाली के दिन मैचेस हो जाएं तो प्लीज आईसीसी बीसीसीआई थोड़ा तो ध्यान रखो यार। सब काम कंप्लीट करने के बाद अब टाइम था रंगोली बनाने का और मैं सच बताऊँ मेरे अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं थी, तो मेरे दिमाग में जो सबसे बेसिक डिज़ाइन आया मैंने वो बना दिया। और इसके बाद यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं पूजा। गाइस बचपन में दिवाली में हर बार शंख बजाती थी और उस पर बज ही नहीं रहा था, तो पापा और बाकी लोगों ने भी ट्राई किया। जड़ी जला लिए, फोटो क्लिक कर लिए, अब क्या करना है, अब करनी है जीनी को फटाकों से बहुत डर लग रहा था तो इसलिए हमने उसको इस तरीके से उसे कान बंद करके रख दिए थे। इसके बाद हमने चक्री और अनार जलाया था बस, और उसके ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि जीनी को बहुत प्रॉब्लम होती है साउंड से और बाकी भी स्ट्रीट में जितने भी डॉग्स थे सबको परेशानी हो रही थी, तो हमें मन नहीं था ज़्यादा कुछ करने का, तो हमने एक फुलझड़ी एक अनार जला के हमारी दीपावली उसी से कंप्लीट कर ली थी। हाँ ये आकाशदीप जलाने का ट्राई ज़रूर किया था बट ये बहुत ही बड़ा वाला फेल हो गया था। लास्ट ईयर का आकाशदीप रखा था, हमने सोचा कि जल जाएगा बट वो तो रखे रखे ही जल गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करेंगे, शायद यहाँ नहीं दूसरे घर में ट्राई करूँगी बट करूँगी। सो गाइज आई होप आप सभी को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, मुझे ये व्लॉग पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। जाने से पहले एक बार और आपको मेरे साइड से हैप्पी दिवाली, आई होप आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही हो। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपने बहुत प्यार दिया है, प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए सायोनारा।